हे गाइस एंड अगेन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि निकल के आई है पीकी ब्लाइंडर से और साथ ही हाउस ऑफ द ड्रैगन से। तो बस फिर ये जानने के लिए वॉच वीडियो टिल द एंड। तो खैर, सबसे पहले अगर बात करें पीकी ब्लाइंडर की, तो हाल ही में इस शो के डायरेक्टर एंथनी बायर ने एक कमाल की अपडेट दी है अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ ये पोस्ट करके, जहां पर उन्होंने लिखा है, वी जस्ट फिनिश्ड कटिंग द फाइनल एपिसोड ऑफ पीकी, स्टिल अ लॉट मोर टू डू। यानी कि हमने इस शो की एडिटिंग को पूरा कर लिया है पर फिर भी अभी काफी काम बाकी है। तो ऐसा हो सकता है कि जल्दी आपको इस शो की तरफ से कोई न कोई एक टीजर देखने को मिल जाए या फिर एक ऑफिशियल रिलीज डेट इस मंथ के एंड तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक। और बाकी शो पर एक सेपरेट मूवी भी आपको देखने को मिलेगी जिस पर काम 2022 से ही शुरू होगा। वेल, अगर बात करें हाउस ऑफ द ड्रैगन की, तो हाल ही में इस शो के बॉस राइन कॉन्डोल ने इस शो के बारे में कुछ चीजें रिवील की है। और पहले उन्होंने ये रिवील किया कि उनकी टीम इस शो के पार्ट वन शूटिंग की आखिरी स्टेज पर है, इट मींस फाइनल स्टेज ऑफ फिल्मिंग। एंड साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्मिंग काफी लंबी खिंच चुकी है क्योंकि हमने इस शो की शूटिंग शुरू कर दी थी अप्रैल में और अब नवंबर आ चुका है। एंड उसका रीजन ये है कि इसकी फिल्मिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड है और प्रेजेंट टाइम पर उनके काफी सारे क्रू मेंबर इस शो के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको उन्होंने दो यूनिट में डिवाइड किया है। सबसे पहले वाले का नाम है फायर और दूसरे का नाम है ब्लड, फायर एंड ब्लड क्रिएटिविटी। अब जैसा ये शो है तो इसमें आपको काफी सारे ड्रैगन्स देखने को मिलने वाले हैं, इट मींस हैवी सीजीआई वर्क। और जहां आता है हैवी सीजीआई वर्क तो वहां आता है लॉन्ग पोस्ट प्रोडक्शन वर्क। और इसके बारे में उन्होंने ये रिवील किया है कि ड्यू टू कोविड-19 मुझे और मेरी टीम को इस शो के स्टोरी डिजाइन और कॉन्सेप्चुअल आर्ट पर काम करने का काफी टाइम मिल गया था, तो इन चीजों में ऑडियंस को कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। और साथ ही उन्होंने ये भी रिवील किया है कि इस शो के अंदर हमने मेनली जो जो चीजें की हैं उसके लिए हमने सबसे पहले इस दुनिया के रचयिता जॉर्ज आर आर मार्टिन से पूछा है, यानी कि डिस्कस किया है। एंड उन्होंने कहा, दैट इज कूल, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉन्फिडेंट। और फिलहाल ये सुनने में आ रहा है कि जॉर्ज आर आर मार्टिन प्रेजेंट टाइम पर द विंड्स ऑफ विंटर बुक कंप्लीट कर रहे हैं। और बाकी अगर बात करें इस शो की ऑफिशियल रिलीज डेट की, तो उसके बारे में फिलहाल तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर फिर भी ये शो आपको 2022 के स्प्रिंग के टाइम पर देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में जॉर्ज आर आर मार्टिन ने पहले ही कह दिया था। और बाकी सिचुएशन है कि उस टाइम पर क्या सीन होता है। और एक क्वेश्चन जो कि आप में से काफी लोग नीचे कमेंट करते हैं और वो ये है कि क्या ये शो आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं, तो डिपेंड करता है कि HBO मैक्स इंडिया में किस डेट पर लॉन्च होगा। और फिलहाल कहा जा रहा है कि मई जून तक, यानी कि इस शो से पहले पहले, पर फिर भी मामला अभी एवरेज है। बट अगर HBO मैक्स इंडिया में इस शो के बाद लॉन्च होता है तो ये शो तो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा ही, बट कुछ टाइम रुक के। और बाकी फ्यूचर में इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, और अगर गलती से वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप करते नहीं हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।